स्टारगार्ड डिजीज पे आजकल जो हम सीरीज चला रहे हैं और उसमें हम जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं स्टारगार्ड डिजीज के ट्रीटमेंट में, जो कि बहुत सालों तक बीच में बहुत स्लो रही डेवलपमेंट, अब लेकिन काफ़ी सारी मेडिसिंस जो प्री एग्जिस्टिंग हैं और कई नए मॉलिक्यूल्स को लेके काफ़ी रिसर्च हो रही है स्टारगार्ड डिजीज पे, और एक सरप्राइजिंग मेडिसिन पाई गई है हेल्पफुल स्टारगार्ड डिजीज पेशेंट्स में। आप सब लोगों में से जो लोग डायबिटिक हैं उन्होंने तो ज़रूर ये सुना होगा कि ज़्यादातर डायबिटिक्स के लिए एक ही दवाई काम आती है और उसका नाम है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन पे एक स्टडी की गई और उसमें ये पाया गया कि ये स्टारगार्ड डिजीज को भी इम्प्रूव करती है। इसका मतलब मेटफॉर्मिन मेडिसिन जो है लोग लेते तो थे डायबिटिक अपनी शुगर के लिए, लेकिन उन्हें फ़ायदा उनकी स्टारगार्ड डिजीज से ख़राब हुए विजन में भी मिला। इसी को देखते हुए जब स्टडी की गई तो पाया गया कि हाँ, मेटफॉर्मिन एक यूज़फुल सॉल्ट है और वो अवेलेबल भी है, तो ये स्टारगार्ड डिजीज के पेशेंट्स को दिया जा सकता है। अब बेसिकली मोडेलिटीज ढूंढी जा रही हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है और स्टारगार्ड डिजीज है तो उन्हें मेटफॉर्मिन कैसे दी जाए। इसका मतलब यदि उन्हें डायबिटीज नहीं है और सिर्फ स्टारगार्ड डिजीज है तो मेटफॉर्मिन खाने से उनकी शुगर लेवल लो हो जाएगा, तो वो हम चाहते नहीं हैं। और लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं और उन्हें स्टारगार्ड डिजीज भी है तो फिर उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन की जगह कोई और मेडिसिन ना लें, क्योंकि मेटफॉर्मिन से उनकी डायबिटीज और स्टारगार्ड दोनों बीमारियों में फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो सदियों से अवेलेबल हैं किन्हीं और डिजीज़ के लिए, और अब उनका रोल स्टारगार्ड डिजीज या हमने पहले देखा है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जैसी डिजीज में रोल पाया गया है। सो ज़रूरत है हमें एक्टिवली नई नई डेवलपमेंट्स को फॉलो करने की और उन पर नज़र रखने की, ना कि यदि आपको स्टारगार्ड या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी है और 10-20 साल पहले आपको किसी डॉक्टर ने कहा था कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है तो आप फिर उसके बाद डॉक्टरों के पास जाना बंद कर दें। जिस बीमारी का इलाज कल नहीं था, हो सकता है उसका इलाज आज निकल आया हो। सो अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वो बहुत तेज़ी से हो रही हैं उनको ज़रूर अपनाएं, ताकि हम किसी भी बीमारी के लाइलाज होने के जो एक धब्बा है उसे हटा सकें। हाँ, कुछ ना कुछ इलाज तो हर बीमारी का है ही, और आशावादी बनके जो अवेलेबल है उसे कर लें, ना कि एक परफेक्ट इलाज के इंतज़ार में अपने सारा जीवन अपनी बीमारी को अपनी रोशनी को ख़राब करने दें। सो फ्रेंड्स, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, और जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे कदम इन लाइलाज बीमारियों के बारे में अभी आ रहे हैं, नई नई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं जो परफेक्ट नहीं होंगी, थोड़ा फ़ायदा करेंगी, पर ना फायदे से तो थोड़ा फ़ायदा अच्छा है, नुकसान होने से तो थोड़ा फ़ायदा अच्छा है। सो लेट्स बी होपफुल, और हम आपको अवगत कराते रहेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट मेडिसिंस जो कई लाइलाज बीमारियों के बारे में आ रही हैं। Thank you very much.